तो दोस्तों बहुत ही जल्द वीवो अपना अपकमिंग स्मार्टफोन वीवो S1 इंडिया में लॉन्च करने वाला है और फाइनली उसने अपना एक टीजर भी लॉन्च कर दिया है, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि इस स्मार्टफोन में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है और साथ ही में इस स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है और साथ ही में यहाँ पर आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में। तो दोस्तों क्या कुछ खास होने वाले इस स्मार्टफोन में और क्या होने वाली इसकी स्पेसिफिकेशन और ये कब तक इंडिया में लॉन्च होगी, इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले और डिजाइन से, तो यहाँ पर आपको बैक साइड में एक पॉलीकार्बोनेट की बॉडी देखने को मिलेगी, जैसा कि वीवो के वीवो V15 प्रो में देखने को मिला था और साथ ही में इस स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा का स्लॉट भी देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जिसका प्राइमरी कैमरा होने वाला है 16 मेगापिक्सल का F1.7 एपर्चर के साथ और उसके साथ ही यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस देखने को मिलने वाला है और उसके साथ ही यहाँ पर आपको 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलने वाला है। और वहीं बात करें इस स्मार्टफोन की फ्रंट साइड की, तो यहाँ पर आपको एक 6.5 इंच की फुल HD+ की स्क्रीन देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाला है एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ और वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर ही दोस्तों आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है, जैसा कि आपको वीवो के वीवो V15 प्रो में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। और दोस्तों साथ ही में इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले में ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत ही फास्ट होने वाला है दोस्तों और इस स्मार्टफोन को बहुत ही यूनिक बनाने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग होने वाली है वो बहुत ही अच्छी रहने वाली है इंडियन मार्केट में। दोस्तों अब बात करते हैं स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि इस स्मार्टफोन में आपको मिडटेक की हीलियो के P70 का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो कि ऑलरेडी हमें वीवो के वीवो V15 में देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये प्रोसेसर अच्छा है या नहीं है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फाइनली बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन की बैटरी की, तो यहाँ पर आपको 3950 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने वाला है और यहाँ पर आपको 18W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में। दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि इस स्मार्टफोन के साथ ही आपको एक फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर ही देखने को मिलने वाला है। अब बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की दोस्तों, तो इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग होने वाली इंडियन मार्केट में वो 15,000 to 20,000 रुपीस के अंडर में रहने के चांसेस है, क्योंकि इस स्मार्टफोन को अगर इससे ज्यादा प्राइस में लॉन्च किया जाएगा तो यहाँ पर Realme X, Redmi K20 जैसे स्मार्टफोन कम्पीट करेगी अच्छी तरह से। सो दोस्तों इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग होने वाली है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है, जैसा कि Vivo के Z1 Pro में देखने को मिला है हाल ही के स्मार्टफोन में। सो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस प्राइस में आपको इस स्मार्टफोन को कंसिडर करना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फाइनली दोस्तों बात करते हैं इस स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की रिलीज डेट जो होने वाली है वो 2 से 3 हफ्ते के अंदर ही रहने वाली है, यानी दोस्तों इस स्मार्टफोन की जो रिलीज डेट होगी वो आपको 25 जुलाई के करीबन देखने को मिल सकती है, यानी दोस्तों इस स्मार्टफोन की जो रिलीज डेट होने वाली है वो आपको इस महीने के लास्ट वीक तक देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों क्या आप इस स्मार्टफोन को लेकर एक्साइटेड है, हमें कमेंट करके बताएं। और फाइनली दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, अगले वीडियो किस टॉपिक पर आप देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। So finally, keep a smile and have a great day. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the best. Yeah.